गुड मॉर्निंग। आइए हम निकटतम मान से संबंधित सवाल हल करते हैं और इस सवाल में हमें आकलित और वास्तविक भागफल मालूम करना है। सवाल क्या है? 75 भाग 21। तो सबसे पहले हमें 75 और 21 का निकटतम मालूम करना होगा दहाई का। तो इसके लिए एक संख्या रेखा है, देखते हैं कि 75 कहां पर है। तो 75 होगा 70 और 80 के बीच में, ठीक है। कहां होगा? तो देखिए 75 बिल्कुल मध्य में होगा और जब वह बीचों बीच हो तो बड़ी दहाई उसका निकटतम मान होता है। तो 70 और 80 में बड़ी दहाई है 80, तो 75 का जो निकटतम दहाई का मान है वह है 80, ठीक है। अब चलते हैं 21 की ओर। तो 21 कहां होगा? 21 बिल्कुल 20 से लगा हुआ होगा। किसके निकट है? 20 या 30 के? 20 के निकट है। तो 21 का जो निकटतम मान है वह है 20। अब निकटतम मान के आधार पर हम पहले आकलित भागफल निकालते हैं। आकलित भाग फल, चलिए इसके लिए भाग देंगे निकटतम मान को 80 भाग 20। अब 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं 80 के लिए। 20 कम 20, 20 दूनी 40, 20 के 60, 20 चौं 20 चौं 80, ठीक है। शून्य शून्य हमें भागफल मिला 4। अब देखते हैं कि वास्तविक भागफल में हमें क्या मिलता है। वास्तविक भागफल, तो वास्तविक के लिए हम वास्तविक संख्या को लेंगे जो हमारे पास है 75 भाग 21। 21 का पहाड़ा पढ़ते हैं 75 के लिए। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 21 चौं 84। 84 ज्यादा हो गया तो 63, 21 तिया 21 तिया 63, घटा लीजिए 2 ए, यह हमें मिला 12 शेष पर और भागफल मिला है 3। तो इस तरह से हम किन्हीं संख्याओं के आकलित भागफल और वास्तविक भागफल मालूम कर सकते हैं। आप देखेंगे आकलित भागफल 4 और वास्तविक भागफल 3 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको संख्या रेखा के माध्यम से निकटतम मान मालूम करना आना चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका यही होगा निकटतम मान मालूम करने के लिए कि आप संख्या रेखा फटाफट बना लें, और जैसे आप संख्या रेखा बना लेते हैं तो फिर निकटतम मान के लिए निकटतम मान मालूम करना आपको बेहद सरल हो जाता है। तो कुछ और सवाल आप लीजिए और उन सवालों को हल करके देखिए।